हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटेल। आई होप आप सभी अच्छा एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार, तो जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। मुझे ऐसा लगा ना, जैसे यहाँ पे विसाइड लाइक काम चल रहा है मेरा और यहाँ पे फ़ोन है, तो मेरा ध्यान बार बार फ़ोन की तरफ जा रहा है ना, वैसा ही उनका हाल है, वैसा ही उनका हाल है। मतलब मेरा ध्यान यही है, बट ऐसा लग रहा ना कि काम चल रहा है लेकिन ध्यान फ़ोन पर है। कहीं कुछ आपकी तरफ से गलती से हो जाए, मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, कुछ तो अपडेशन आ जाए। पॉसिबल है आप लोगों ने या तो ब्लॉक किया है या तो आपकी तरफ से ना कोई एनर्जी नहीं है उनके लिए, लाइक ना कुछ भी, कोई ना स्टेटस अपडेट हो रहा है, ना डीपीज प्रोफाइल्स में कहीं पे इनको ना विजिबल नहीं है। अगर है तो पुराने हैं, मतलब लेकिन अपडेशन जैसे कहते ना, अपडेशन मतलब कुछ चल रहा है, लाइफ क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, आज क्या चल रहा है, वो नहीं पता चल रहा है। पॉसिबल है इनकी जो स्टेटस डीपीज वगैरह है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग है, या तो खुशी या गम, कुछ तो है जो बस आपको ट्रिगर करने के लिए है। क्योंकि ये इंसान चाहता है भले जलन के मारे से ही, गुस्से के मारे ही आप रिएक्ट करो, फ्लेम देख रहे हो, इट्स यही इनकी फीलिंग्स है कि जैसे ना ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं कि आपकी तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं, ऐसे कैसे, आपने पूछा ही नहीं। इनकी लाइफ में ना डेली स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोशिश चलती है कि लाइफ को या तो रूटीन करें या तो ग्रो करें, ना कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा सोचे, या कुछ जैसे कि मान लीजिए थर्ड पार्टी के साथ इश्यूज चल रहे हैं तो उसे सॉल्व करे, उसे बेहतर करे, रिश्ता ठीक करे या फिर अनबन ठीक करे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इनके काम भी ना ढंग से नहीं हो पा रहे, जस्ट चल रहे लेकिन ना एक ग्रोथ जो कैसे कहते हैं वो नहीं हो पा रही है, ग्रोथ नहीं है कोई भी काम में, ग्रोथ नहीं है। इन्हें इसी बात की तो तकलीफ है कि लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं है। काफी ज्यादा ना एकदम खामोश, अचानक से ऐसा लगा ना कि खामोशी छा जाती है, कुछ भी सोचना नहीं, समझना नहीं, ये बस आपकी एक्टिविटीज़ या आपकी तरफ नज़रें गिराए बैठे हैं कि कुछ तो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आए, या फिर शायद इन्होंने कोई मैसेज भेजा हो या इन्होंने कुछ कॉल किया हो या कुछ है, तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आया आपकी तरफ से, उसका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अचानक से ना एक ब्लैकआउट की एनर्जी फील हुई, जैसे ना ये खो जाते हैं या खो जाते हैं,
कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो अचानक क्या सोचने लगे हैं आउट ऑफ वे वो समझ नहीं पा रहे हैं। पॉसिबल है ये काफ़ी सब ना पुरानी मेमोरीज में है, पुरानी मेमोरीज। इनकी जो अच्छी वाली मेमोरीज है जो आपके साथ है वो काफ़ी ज़्यादा रात को गुजरती है, लेकिन जो अनबन हुई है, जो डिस्टर्बेंस वाली मेमोरी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डेली टाइम पे, डेली डे टाइम पे, डेली टाइम में डे टाइम पे होती है। इनकी तरफ से ना कुछ अनहेल्दी हैबिट्स निकल, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, लाइक ना खाने पीने पे ध्यान नहीं है, फिकर नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा मोटापा वगैरह बढ़ा हो या फिर या तो पतले हुए, क्योंकि अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, लाइक ना कि अपनी खाने पीने की वजह से ना ध्यान ना देना, या तो खाना ही नहीं खा रहे हैं ढंग से कि खाना स्किप करना हो वगैरह कुछ है, और या तो ना ऐसा उल्टा सीधा खाना कि जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे, या फिर ध्यान रखने वाला कोई है नहीं, ये खुद तो रख ही नहीं रहे हैं। मुझे ये फील हुआ ना कि एंजल नंबर 222 और अगेन 444 ये आपको बार बार दिख रहा है, और अगेन एंजल नंबर 69 भी आपको बार बार दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे मिररिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई, जैसे कि ये जैसा ना अचानक से जो निगेटिव फील करना चालू होते आते हैं ना, या फिर इनको जो एंग्जाइटी हो रही है ना, उसका असर आप पे बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता है। मतलब आपने अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल करने की कोशिश की है, बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल किए हैं आपने उस लाइफ को नॉर्मल करने की, रूटीन में लाने की, कि ठीक है कि वो है नहीं, या फिर नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और जो भी बोल रहे हैं या तो क्लैरिटी नहीं देते हैं या कुछ है। आपने ना ठीक है, पहले आपको बहुत ज़्यादा दुख होता था, तकलीफ़ होती थी, चिढ़ आता था, गुस्सा आता था, रोना भी आता था, लेकिन अभी है ना आपने उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, शांत रहने की कोशिश की है कि ठीक है कि चलो जब भी होगा होगा, नहीं है तो क्या हुआ, अभी क्या कर सकते हैं, किसके ऊपर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि भाई हमारे बारे में सोचो या कुछ है, या हमारे लिए कोई डिसीजन ले लो, क्लैरिटी दे दो। तो आपने अपनी लाइफ में ना अपने हिसाब से अपनी तकलीफ़ को ना, मैंने ऐसे नहीं कहती, कुछ लोगों ने ना जैसे अंदर ही छुपाई हो, बट अपनी आप तकलीफ को ना एक साइड में रख के अपनी लाइफ को ग्रो करने का सोचा है, या एटलीस्ट रूटीन में लाने का सोचा है, उसकी वजह से ना इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो अगेन जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, डिवाइन कनेक्शंस होते हैं, जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, उनमें ये असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, कि जैसे आपकी सोल ने एनर्जी देना बंद कर दिया, आपने सोचना एकदम वैसे ही हिसाब से ना एकदम डेस्परेशन, उनके बिना ज़िंदगी ही नहीं, ऐसे वाली जो सोच में आप जाना छोड़ देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ट्रिगर करता है, क्योंकि उनको वो एनर्जी नहीं मिलती, उनके सोल को एनर्जी नहीं मिलती। ये जब खाना खा रहे हैं, और स्पेशली जैसे ना चाय पीना हो, कोई ड्रिंकिंग हैबिट्स हो, स्पेशली ऐसा लगा चाय कॉफ़ी जो भी पी रहे हैं ना, वहाँ पे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे ना ऐसा लगा कि अगेन वो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के जैसा काम कर रहा है ये, एग्जैक्टली नहीं, बट जिस तरह से इंसान डीपली सोच रहा है ना, ये पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा एक सरेंडर की एनर्जी है। कुछ भी मतलब क्या होगा उसका आउटपुट का कोई फ़र्क ही नहीं, कब होगा क्या होगा, बस सोचे जा रहे हैं इंसान। इसलिए तो इनके मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और ये आपको ट्रिगर करने में माहिर बन जाते हैं। मुझे ऐसा लगा ना कि जो मैसेज है, दिस कुड बी द वन, यही इंसान है जो आपके लिए बनाए हुए हैं। ये इंसान जिस तरह से आपको बदल रहा है, बदल के रख दिया, ये यूनिवर्स की मर्जी थी, क्योंकि आपको जो भी बातें सिखाई जानी थी या समझाई जानी थी, वो किसी और से पॉसिबल नहीं थी, आप वैसे ही नहीं होने वाले थे, सुधरने वाले में से नहीं थे, लेकिन इस इंसान की एनर्जी की वजह से, या इंसान के ट्रिगर की वजह से, प्यार की वजह से, सब चीज़ों की वजह से आप जो बदले हैं ना, वो कभी इसके बगैर हो ही नहीं पाता था। मुझे लगा आपकी तरफ ना एक जस्टिस की एनर्जी आ रही है, जस्टिस, जैसे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, इनकी तरफ से डिसीजन नहीं मिला है,
और हो सकता ना, जैसे इन्होंने कहा हो कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, या फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें ऐसा लगता है, ये है वो है, हज़ार चीज़ें जो इन्होंने बोली थी ना, आपको तभी तकलीफ़ हुई, समझा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि इनकी हाव भाव, इनके बिहेवियर, इनकी बातें कुछ डिफरेंट थी और ये जो कह रहे थे वो कुछ डिफरेंट था। अभी ऐसा लग रहा है उस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा बदलाव है और आपकी तरफ ना ये रिश्ता ना एक क्लोजर लेके आ रहा है। क्लोजर इन एक होता है ना कि मतलब इट्स नॉट गोइंग टू एंड, बट ये कुछ ऐसा लेके आना जिसे आपने उम्मीद की थी अनजाने में सही, लेकिन ये तभी हो पा रहा है जब आपने यूनिवर्स पे सरेंडर किया है। कि आपने अभी ऐसा नहीं कि उम्मीद छोड़ दी है, आपने बस उस बारे में सोचना छोड़ दिया है, अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया है। ये इंसान एक ना उम्मीद लेके आया है आपके लिए, उम्मीद नहीं कह सकते, एक ऐसा जस्टिस लेके आ रहा है ना कि इन्होंने जो भी बातें जो आपको तकलीफ देने वाली थी, तकलीफ देने, स्पेशली ऐसा लगा कि कोई डिसीजन कि हमारी शादी हो नहीं सकती या मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, वो वाली जो चीज़ है ना उसमें वो वही इंसान आपको आकर अलग बात कहने वाला है। इस बार ना आप ऐसे क्या बोलते हैं इसके एकदम ओवर एक्साइटेड या ऐसे मरे जा रहे वैसी वाली फीलिंग में नहीं है। पता नहीं क्यों आपने कहीं ना कहीं से या किसी भी तरह से आपकी थोड़ी बहुत सही हीलिंग हुई है और इसका असर दिख रहा है। इनिशियल इनके ए हो सकता है स्ट्रांगली, वी हो सकता है, एस हो सकता है, आई हो सकता है और नंबर एट मुझे बहुत ज़्यादा प्रमिनेंटली फील हुआ। नंबर एट और अगेन मुझे बार बार फील हो रहा है कि कुछ तो ना यूनियन या रीयूनियन की कुछ सेलिब्रेशन की, मुझे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी फील हुई है। कुछ तो यूनियन रीयूनियन या फिर कोई सेलिब्रेशन की चीज़ है, जैसे कोई इवेंट है नज़दीक है। किंग ऑफ पैंट्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, The devil, justice. So I told you, no, six of cups, cards. Eight of pentacles. पेज ऑफ पेंटिकल। तो मुझे जैसे फील हुआ ना कि यूनियन रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये इंसान बहुत ही जल्द आपके पास आने के चांसेस हैं। और अगेन ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, कहीं आपको दूर लेके जाना चाहते हैं या आपसे मिलने के लिए दूर से आ रहे हैं, ऐसे वाले एनर्जी हैं। आपकी ऑरा है ना, उससे ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं और वो ऑरा आपकी, अगर आपने अपने पर काम किया है ना तो वो वाला ऑरा ही है, बस वो वाला ऑरा है। क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है ना वो मैग्नेटिक पुल दे रही है ना, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, जस्ट नॉर्मल मैनिफेस्टेशंस वगैरह इतना आसान वाला चीज़ नहीं है। वो ऑरा में बहुत ज़्यादा पावर है, इसलिए वो मैग्नेटिक पुल दे रहा है और वो स्पिरिचुअल पावर है, खास करके स्पिरिचुअल पावर है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका और सबसे बड़ी जैसे मैंने कहा कि जस्टिस की एनर्जी है, आपकी तरफ न्याय आ रहा है। जैसे आपने कोई कुछ डिसीजन, कुछ सोच, कुछ कहाँ होगा वो चीज़ आपने, यहाँ पे अगेन ऐसा लगा कि सेलिब्रेशन तो है और जैसे मैंने कहा ना, काम करते करते इनका ध्यान ना फ़ोन की तरफ बहुत ज़्यादा है। आप कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे या कुछ तो अपडेशन होगा या कुछ तो ये जानने की कोशिश में है, और जब ये सब नहीं होता ना, ये बहुत ज़्यादा बेचैनी में जाते हैं, जिसे ऐसा लगता है ना कि आप उनको भूल गए हैं। और ये जो एनर्जी है उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, अनहेल्दी हैबिट्स में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, एडिक्टेड, बहुत ज़्यादा एडिक्शन वाला फीलिंग है आपकी तरफ। ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएगा और ये चीज़ अगर इस महीने में नहीं मिला तो नेक्स्ट महीने में होने के 100% चांसेस है। यहाँ पे जो
मुझे फील हुआ ना ये विद इन अ वीक ये आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ भले गुस्से ही सही, रिएक्शन से ही सही, बट मूवमेंट करेंगे। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।